हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गोलू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी विद गोलू भाई। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है क्या चिड़ियों को पानी कैसे दे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का डब्बा है, इससे मैं चिड़ियों को पानी दूंगा। गर्मियों के दिनों में आप भी ऐसा काम करें दोस्तों, क्या गर्मियों में चिड़ियों को, भौरी को और जितने भी जानवर है, छोटी छोटी पंछियों को पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो आप उनके लिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने अपनी कबूतर भी खुला नहीं हूँ, सुबह सुबह का वक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं कबूतर अभी बंद हुए, क्योंकि अभी कबूतर खोलने का टाइम हुआ नहीं है। ये पेटी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, इसका भी वीडियो आएगा शाम में। आज आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा मैं क्या कबूतरी की पेटी को कितना खर्चा आया, कितना नहीं आया। आज इसका फाइनल पार्ट आने वाला है दोस्तों, और मैं अपनी गच्ची का कुछ सेटअप भी चेंज करूंगा, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा दोस्तों, देखना मत भूलना दोस्तों आप। तो चलो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक यही था कि चिड़ियों को पानी कैसे दे। आप अपने घर के किसी भी जगह पे ऐसी चिड़ियों को दाना पानी रख सकते हैं, जैसी मैंने रखा हूँ। ये मेरे घर की पैरापीट है और ये झाड़ है। अभी मैं यही जगह पे पानी रखने जा रहा हूँ। आप भी ऐसा करना दोस्तों, ज़रूरी नहीं आपकी गच्ची है तो ही रखें। अगर आपके घर में कोई झाड़ है तो झाड़ के ऊपर भी आप पानी का डब्बा टंगा सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है, तो चिड़िया यहाँ पे आके बैठती है ये जगह पे, यहाँ पे बांस पे, और ये टंकी के इधर में ठंडा लगता है दोस्तों, इधर साइड में। तो चिड़िया यहाँ पे आके बैठती है, तो मैं इनको रोज़ ये दाना डालता हूँ और चावल भी डालता हूँ दोस्तों। आपके घर में अगर बासी चावल निकलते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी चिड़िया को शौक से खाती है। क्योंकि अभी दोस्तों चिड़िया अभी इतनी बची नहीं है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, तो अभी उनका हमको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं अभी पानी रखने जा रहा हूँ, आप देखना। आपके पास कोई भी डब्बा हो तो आप डब्बे के अंदर पानी लेके रख सकते हैं दोस्तों। पंछियों की हेल्प करा करो, ये जगह पे मैंने डब्बा रख दिया, देख सकते हैं। चिड़िया हिज बट्टे दोस्तों, क्योंकि ये जगह पे छाव होती है, और ये छोटा मेरे घर का जाम का झाड़ है, तो टहनी पे आके बट्टी चिड़िया छोटी वाली। और अभी इनके लिए मैं चावल रख देता हूँ, और चिड़िया हाथ देखती है मुझे, ये पाइप के ऊपर बैठती है और इधर मिट्टी खाने आती है, क्योंकि अभी सीमेंट रोड बन चुका है दोस्तों, तो उसके वजह से मिट्टी भी इतनी बची नहीं है, अब मिट्टी जगह पे दिखती नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने अपनी छत के ऊपर मिट्टी डाल के रखा। मेरे घर गच्ची के ऊपर कबूतर भी मिट्टी खाती है और चिड़िया भी मिट्टी खाती है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं मेरे चावल का डब्बा ये। रोज आप सुबह सुबह ये काम करा करें, इससे आपको पुण्य तो मिलेगा ही और दिल को भी सुकून लगेगा कि आपने अच्छा काम करे। देख सकते हैं आप, ये शाम तक के पूरा दाना पानी खत्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक बात, अगर आपके यहाँ कबूतर है, जो भी सब ये वीडियो देख रहे हैं कबूतर है आपके यहाँ, तो अभी एक ऐसा मटका ऊपर रख सकते हैं, ये मेरे घर का खराब मटका है और इसके अंदर मैं पानी रखता हूँ। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है दोस्तों, क्योंकि गर्मियों में आपकी छत पे जैसा एक कुंडा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने में, वो कुंडे का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और पंछी भी वो पानी आके पीते हैं, क्योंकि वो खुला रहता है, तो गर्म पानी भी अच्छा नहीं है दोस्तों। आप ऐसा ठंडा पानी ये रख सकते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, ये टंकी का पानी इसके अंदर खाली करता हूँ मटके में, फिर मटके से पानी इसमें डालता हूँ, सुबह इसमें से पानी निकाल के इसमें डालता हूँ, और दिन भर ये पानी मैं अपने कुंडे में डालता हूँ। उससे होता यह है कि ठंडा पानी पीने से भी कबूतर अच्छे रहते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने इतना निकाल के रखा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।